हेलो दोस्तों, फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। यह ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाला, क्योंकि आपको अमेजिंग व्यू इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। हम लोग अभी माउंट सरेन क्लब महिंद्रा मुन्नार में रुके हुए हैं और 4:45 बजे हम लोग यहां पर माउंट सरेन से निकल चुके हैं, क्योंकि यहां पर एक कपल्स को पिकअप करना है और वो अलग होटल में रुके हुए हैं। वंडर वैली में उनसे दोस्ती हो गई थी और यहां पर शेयरिंग का ऑप्शन नहीं है। नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। यह ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाला है और ये अखिल जी हैं और इनके साथ आज हम लोग जीप सफारी किए हैं ये मुन्नार में। और ये आप देख सकते हैं, ये जीप है और इनके साथ हम लोग ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से वो 5 पॉइंट घूमे हैं। और ये जो अखिल जी हैं, इनका नेचर हमें बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने गाइड किया और अच्छी तरीके से उन्होंने सब जगह 5 पॉइंट को विजिट कराया। तो मेरे ब्लॉग में ये नए कपल से है और ये हनीमून के लिए केरल मुन्नार में आए हैं और हम लोग निकल चुके हैं। और निकलने के बाद आपको रास्ते में कुछ मुन्नार का कुछ इस प्रकार का व्यू देखने को मिलेगा। ये फिलहाल ये दिन का व्यू है और यहाँ पर जब हम लोग जाते हैं तो इस प्रकार के आपको दोनों साइड आपको इस प्रकार का व्यू देखने को मिलते हैं, जो बहुत ही यहाँ पर केरल मुन्नार में दोनों तरफ पूरा नेचर युक्त है। आपको प्राकृतिक सौंदर्य की अद्भुत जो प्रकृति है वह केरल में आपको देखने को मिलेंगे। और फिलहाल अभी जीप सफारी के द्वारा हम लोग आज 5 व्यू पॉइंट कवर करने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताने वाले पॉन्ड मूडी डैम है और फिर उसके टॉप हिल स्टेशन जहां पर सनराइज होगा और इको पॉइंट है और रिपल वाटरफॉल है और जिप लाइन है। इस प्रकार से 5 हम लोग कवर करने वाले हैं व्यू पॉइंट को। और दोस्तों, जब हम ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो ये हिल स्टेशन काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे है और यहाँ पर सिर्फ आम गाड़ियाँ नहीं जा पाती हैं। यहाँ पर आपको जो 4x4 का जो जीप होती है वही आपको ऊपर ले जा सकती हैं, बाकी की पावर नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर की ओर जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो दोनों साइड का प्राकृतिक नज़ारा वो अद्भुत होता है। और यहाँ पर केरल में आपको ज़्यादातर आपको नारियल की, केले की और जो ये देखिए इलायची की यहाँ पर पौधे, ये सब इलायची के पौधे लगे, ये सब इलायची के पौधे लगे हुए हैं। इलायची मतलब मसालों का राज्य भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मसाले की खेती होती है, नारियल की, केले की होती है, तो बहुत सारे यहाँ पर और चाय के बागान हैं मुन्नार में। तो आपको कई प्रकार के चीज़ें देखने को आपको मिलेगा। तो हम जब टॉप हिल स्टेशन पर पहुँचते जा रहे हैं तो दोनों प्रकार का व्यू है दोनों आइट साइड के, तो वो इस प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं। और इतना ही नहीं, हम लोग बहुत ही एक्साइटमेंट है क्योंकि हम लोग 4 बजे से ही उठ के और तैयारी करने लगे थे कि यहाँ पर हमको जाना है। और यहाँ पर गर्मी के मौसम में यहाँ पर ठंड रहता है दोस्तों। यहाँ पर जो आप होटल में रूम लेंगे तो वहाँ पर आपको हीटर मिलेंगे, ना कि आपको एसी मिलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, जब हमने क्लब महिंद्रा में आए थे तो यहाँ पर हीटर मिल रहे थे, एसी नहीं मिल रहे थे। तो ये मैंने बोला सोचने की बात है यार। और यहाँ पर 24 घंटे आपको ठंडा का मौसम रहता, दिन में भी आपको ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी। और यहाँ पर हम लोग टॉप हिल स्टेशन पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर जब आते हैं तो कुछ बदल आपको यहाँ पर इस प्रकार का व्यू दिखाई देता है, बदल की वजह से आपको क्लियरिटी नहीं आ पाती है, जो व्यू है उसकी क्लियरिटी नहीं आ पाती है। और यहीं से कुछ समय इंतज़ार करने के बाद यहाँ पर हम लोग सनराइज का व्यू देखने वाले, जो बहुत ही सुंदर और ऑसम होने वाला है। और एक तरफा हमको ये एक गुड फील कराने वाला है। तो दोस्तों, तो अभी कुछ ही सेकेंड बाद देखिए सूर्य उदय हो चुका है और यहाँ पर जो इसका सूर्य उदय होता है, ऐसा लगता है कि पहाड़ के पीछे से जो सन है माने सूर्य है वो बिल्कुल उगता हुआ दिखाई देता है। और जब इसकी बदल पर किरणें पड़ती हैं तो बिल्कुल एक जो इसकी सूर्य की रोशनी की जो छटा है वो अद्भुत स्वरूप देखने को मिलता है सूर्य की। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं इस व्यू को देखने के लिए। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे लोग यहाँ पर एकत्रित है और इस व्यू को, इस समय को और इस चीज़ को बिल्कुल कैप्चर करने में लोग लगे हैं अलग अलग मोबाइल और कैमरे से। यहाँ पर ड्रोन की बैन है, यहाँ पर ड्रोन यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट है,
तो यहाँ पर आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। और यहाँ का हम लोग काफ़ी इंजॉयमेंट करते हैं और जो कपल्स है साथ में हम लोग काफ़ी सारे फोटो शूट करते हैं और वीडियोस बनाते हैं और यहाँ पर रील्स वगैरह बनाते हैं। और हमारे चैनल पर अगर वीडियो पर यह पसंद आया तो ये हमारे कपल्स है जो वंडर वैली में इनसे दोस्ती हो गई थी, यह हनीमून के लिए केरल आए हैं दोस्तों और यह महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और इनसे अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और इनका केरल में ही हम लोग का इनके साथ सिर्फ दोस्ती रहती है, उसके बाद से ये अलग अलग हो जाते हैं। तो हमें वंडर वैली और दूसरा जो दिन रहता है वह इसी का रहता है, जंगल सफारी का। इसके बाद से जो इस प्रकार का जो आप यहाँ पर घूम रहे, बहुत सारा फोटो और वीडियो शूट करने के बाद, रील्स बनाने के बाद हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं दूसरे पॉइंट के लिए दोस्तों। तो अब हम लोग दूसरे पॉइंट की ओर जा रहे हैं और दूसरे पॉइंट में हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ का जो पांच व्यू पॉइंट है उसमें से दूसरा व्यू है आप काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। जब आप जंगल सफारी करते हैं तो जो जंगल की जो नेचर की बात ही कुछ हो रहा है। और यहाँ पर कभी भी आएगा दोस्तों तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा काफ़ी एक्सपेंसिव है। हालांकि दोस्तों ये जो 4000 रुपये में हमने ये बुक किया था तो यहाँ पर शेयरिंग का ऑप्शन नहीं है, बट हम लोगों ने जैसे तैसे कन्वेंस किया कि हम लोग ये फैमिली मेंबर हैं और हम लोग फैमिली मेंबर बता के हम लोगों ने इसको 4000 रुपये में इसको बुक किए थे। और 500 रुपये हम लोग रात को ही हम लोग वो बुकिंग अमाउंट दे चुके थे और सवेरे हम लोग पूरा ट्रिप पूरा करने के बाद हम लोग बाकी अमाउंट यहां पर हम लोग देते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम लोग काफ़ी इन्जॉयमेंट करते हैं और जब हम लोग दूसरे पॉइंट की ओर जाते हैं तो आप दोनों ओर के जो व्यू होते हैं काफ़ी आपको मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है, लगता है कि पैसे वसूल हो जा रहे और बहुत ही ऑसम व्यू होता है दोस्तों। और इसके साथ में यहाँ पर दोस्तों अगर जब भी केरल अगर आइएगा तो यहाँ पर मुन्नार में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वंडर वैली ही सबसे बढ़िया और ये जंगल सफारी आप कर सकते हैं। तो ये पौनमुड़ी डैम है जो इसका व्यू जो बदल की वजह से कुछ इस प्रकार से आपको दिखने वाला है। तो ये पहले का कुछ व्यू है जो बदल के टाइम का है। और हम लोग यहाँ पर पहुँचने के बाद यहीं पर इको पॉइंट भी है दोस्तों, तो हम लोग कुछ दूर आगे जाते हैं। तो कुछ दूर आगे जाने के बाद वहाँ से हम लोग नीचे उतरेंगे तो वहाँ पर इको पॉइंट होता है और इसी को पौनमुड़ी डैम भी कहते हैं। और जो हमने व्यू दिखाया आपको तो वो सवेरे के मतलब कुछ समय पहले की होती है। तो दोस्तों और ये जो व्यू है यहाँ पर बहुत ही अद्भुत होता है और बहुत ही, तो वहाँ पर जो देख रहे हैं बाजू में तो वहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं दोस्तों। और साथ में दोस्तों या वहाँ पर पहुँचने के बाद जीप के द्वारा वहाँ पहुँचने के बाद हम दोनों कपल्स वहाँ पर उतरेंगे और उतरने के बाद हम लोग नीचे की ओर जाएंगे तो जिसके कुछ मिनट्स लगेंगे। तो दोस्तों हम लोग इको पॉइंट के लिए अभी जो तीसरा जो व्यू है वह इको पॉइंट है और हमने पौनमुड़ी डैम दिखा चुके हैं और ये तीसरा व्यू है इको पॉइंट। और यहाँ से हम लोग का 5 मिनट का सफ़र होता है जो नीचे की ओर ले जाता है। तो हम लोग फटाफट नीचे की ओर उतर जाते हैं और नीचे के उतरने के बाद हम लोग के कुछ इस प्रकार का व्यू देखने को मिलता है। और यहाँ से जब भी आप चिल्लाएंगे तो वो रिफ्लेक्ट होकर आवाज़ आपको सुनाई देगी, इसीलिए इसको इको पॉइंट बोलते हैं। अब सबसे चमत्कारी सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर सब कुछ खुला है, इसके बावजूद भी जब आप चिल्लाते हैं तो आपको आवाज़ रिटर्न होके आती है। और यही पौनमुड़ी डैम है और यहीं पर इको पॉइंट भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर का जो व्यू है बहुत ही अद्भुत होता है। पानी में हम लोग पैर डाल के बैठते हैं और कुछ मस्ती करते हैं, रील बनाते हैं, वीडियो का शूट करते हैं, फोटो शूट करते हैं और खूब सारा इन्जॉयमेंट करने के बाद, यहाँ पर आधे घंटे इन्जॉयमेंट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट व्यू के लिए निकल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये कपल्स है, उनके साथ हम लोग काफ़ी सारा इन्जॉयमेंट करते हैं दोस्तों। और यहाँ पर हम लोग जो पत्थर है मार मार के यहाँ पर जो कितने डैग में पत्थर इसको पानी के ऊपर उछालते हैं वो सब हम लोग एक्टिविटीज करते हैं। उसके बाद से हम लोग जीप में बैठ जाते हैं और जो पांचवा जो व्यू है पॉइंट है जिप लाइन, वहाँ के लिए हम लोग रवाना हो जाते हैं दोस्तों। जाते समय कुछ और भी दिन हो जाता है और
फिर जब आप जिप लाइन के लिए जो आप निकलते हैं तो आपको दोनों साइड का व्यू कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा और जो काफ़ी आपको मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। और इतना ही नहीं, हम लोग यहाँ पर आपको अलग से दोस्तों जब भी अगर आप आते हैं जंगल सफारी के लिए तो पहले से आप जिप लाइन वगैरह मत कीजिए, वंडर वैली में वैसे ही आपको जिप लाइन उसी में इनको उसी टिकट में जिप लाइन इंक्लूड रहता है दोस्तों। और दूसरा ये जिप लाइन यहाँ पर जो है जिप लाइन ये काफ़ी डिस्टेंस का है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको चाहे तो अगर पहले से वंडर वैली में अगर जिप लाइन कर चुके हैं तो यहाँ पर आप करना होगा तो आप करिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि जिप लाइन अगर आप करते हैं तो ₹500 पर पर्सन चार्ज है, साथ में और ₹200 पर पर्सन आपको उसका जो 360 डिग्री जो GoPro होता है, 360 GoPro होता है तो कैमरा, उसके द्वारा आपको हैंड में बांध के आपको शूट करने का, और ₹200 लेते हैं और ₹500 आपको जिप लाइन के लिए लेते हैं पर पर्सन। तो यहाँ पर हम लोग को ₹1400 लगे क्योंकि हस्बैंड वाइफ हम दोनों जने कपल्स ने किए थे, तो यहाँ पर ₹1400 हम लोग का लग गया था वीडियो मतलब GoPro 360 डिग्री कैमरा का यूज करने के लिए, और वो आपको वीडियो बना के और आपको PDF फाइल में या WhatsApp के द्वारा आपको दे देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों जिप लाइन में पहुँच चुके हैं, और जब जिप लाइन पहुँचते हैं तो यहाँ का जो जो व्यू है कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको छोटा सा आपको खाने पीने की आपको खाने मिलने की एक दुकान भी मिल जाएगी। यहाँ से हम लोग टिकट ले, देखिए रिपल वाटरफॉल है, तो यहाँ से हम लोग टिकट ले कर और जिप लाइन करते हैं। और ये कपल्स है, ये लोग नहीं करते हैं दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से हाथ में GoPro बांध के, और इस पर जो इस पिक्चर क्वालिटी काफ़ी औसम होती है और ये वीडियो बना के आपको दे देते जाने और आने का। तो हमने यहाँ पर GoPro के द्वारा आने और जाने का वीडियो शूट करते हैं, और उनके द्वारा जैसे इसका चार्ज जो है ₹400 लगा था और ₹1000 जिप लाइन का लगा था। तो हम लोग यहाँ पर खूब सारा इंटरटेनमेंट करते हैं और बहुत ही मज़ा आता है। हमारी वाइफ से काफ़ी डर रही थी, और दोस्तों यहाँ पर जिप लाइन एक्टिविटीज़ करने के बाद हम लोग रिपल वाटरफॉल है, रिपल वाटरफॉल के को जाते हैं। और रिपल वाटरफॉल में ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर एक छोटा सा झरना होता है और वहाँ पर जो पानी बहता हुआ, ये बरसात के मौसम में यहाँ का जो नज़ारा होता है वो काफ़ी अद्भुत होता है, औसम होता है, क्योंकि YouTube पर बहुत सारे रिपल वाटरफॉल यहाँ का जंगल सफारी का बहुत सारे वीडियो देखा, तो उसकी जो खूबसूरती है वो काफ़ी बढ़ जाती है बरसात के समय में। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर पानी नहीं है, बहुत ही कम है, तो यहाँ पर छोटा सा झरना ही आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये हैंगिंग ब्रिज है, तो यहाँ पर हम लोग हैंगिंग ब्रिज के द्वारा भी यहाँ पर आते हैं और बहुत सारा फ़ोटो सेशन करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, मौज मस्ती करते हैं 15 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद से हम लोग रिपल वाटरफॉल आ जाते हैं। यहाँ पर आपको ₹25 का टिकट लगेगा दोस्तों, यहाँ भी आपको ₹25 का टिकट लगेगा। सोचिए ₹4000 आप जीप वाले को देते हैं और ₹1400 आपको जिप लाइन के लिए देते हैं, और यहाँ पर ₹25 लगेगा आप रिपल वाटरफॉल के लिए। यहाँ पर जब जाएंगे तो कुछ मार्केट रहेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर अगर आपको पसंद आता है तो यहाँ पर आप छोटा मोटा मार्केटिंग वगैरह कर सकते हैं। आपको कोई चीज़ खरीदना हो तो बच्चे को ये पसंद आता है तो यहाँ पर ₹100 में हम इनको खरीद देते हैं, क्योंकि ये जिद कर रहा था कोई भी चीज़ देखता है। यहाँ पर लैट्रिन बाथरूम की सुविधा है, अगर यहाँ पर आप फ्रेश फ्रेश होना चाहते हैं तो यहाँ पर हो सकते हैं। आपको यहाँ पर यह लास्ट पॉइंट होता है रिपल पॉइंट, तो यहाँ पर फिश स्पा भी है, तो यहाँ पर अगर आप फिश स्पा के लिए अलग से आपको चार्ज देना पड़ेगा, तो और रिपल वाटरफॉल के लिए ₹25 पर पर्सन चार्ज देना पड़ेगा। तो हम लोग रिपल वाटरफॉल और ये सब जिप लाइन ये सब घूमने के लिए आपको भरपूर समय दिया जाता है, और ये देखिए फिश स्पा भी यहाँ पर अवेलेबल है दोस्तों। तो ये सारे यहाँ पर हम लोग घूमते हैं बहुत अच्छे से, यहाँ पर काफ़ी हम लोग करीब 1.5 से 2 घंटा हम लोग टाइम लग जाता है, जिप लाइन और रिपल वाटरफॉल ये सारी चीज़ घूमने में 2 घंटे का वक्त लग जाता है। और जो कपल्स है उनको जाना रहता है दूसरी जगह पर, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग फटाफट सारे पॉइंट को यहाँ पर कवर करते हैं, घूमते हैं, वीडियो बनाते हैं, रील्स बनाते हैं। और वो कपल्स यहाँ पर नहीं आते हैं क्योंकि उनको काफ़ी थकान हो चुकी होती है, इसलिए नहीं आते हैं। अगर आप आते हैं जंगल सफारी के लिए तो आपके अंदर से काफ़ी
आपको हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे जाना, सब जगह घूमना चलना फिरना, खाली पेट आना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सारी चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और जब भी अगर आप सफ़र के लिए जाते हैं तो कुछ दवाइयाँ वगैरह भी आप रख के लेके आइएगा, पानी का।